हेलो फ्रेंड्स, अभी हम बात करने वाले हैं सीयूईटी का जो आपका अभी एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको फिल करनी है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है ताकि एग्ज़ाम टाइम पे आपको कोई ट्रबल फेस ना हो या एग्ज़ाम में और कोई इशू ना आए ताकि आपका एग्ज़ाम में टाइम वेस्ट ना हो। तो चलते हैं, ये हमारे एक स्टूडेंट का एडमिट कार्ड है जिसमें उसका जो एग्ज़ाम है वो इंग्लिश का है और पॉलिटिकल साइंस का है, जो उसने टेस्ट पेपर ऑप्ट किए हैं स्लॉट वन में, जो 24 तारीख का है, 24 मई का है, फर्स्ट लॉट है ये। इसका जो रिपोर्टिंग टाइम है टेस्ट सेंटर पे वो 7 AM है एंड गेट क्लोजिंग टाइम ऑफ द सेंटर इज 8 AM है, यानी कि 7 बजे से 8 बजे तक आपको एंट्री करनी है या फिर 8 बजे से पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचना ही पहुंचना है। सो मार्जिन के लिए आप सेफ साइड पे अगर रहना चाहें तो किसी भी हालत में आप 7:45 तक गेट पर पहुंचने का ट्राई करें। एग्ज़ाम जो आपका स्टार्ट होगा 8:30 पे स्टार्ट हो जाएगा। इसका जो स्लॉट टाइमिंग है 8:30 से 10:30 तक का है, यानी कि 8:30 पे जो आपका एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट सेंटर की बात करें तो हमारे सिटी का जो टेस्ट सेंटर है वो MITRC कॉलेज है जो कि तिजारा हाईवे पे है। नाउ और डिटेल्स की फाइल अगर बात करते हैं, एडमिट कार्ड प्रोविजनल फॉर द कैंडिडेट्स हुज एग्जामिनेशन आर शेड्यूल्ड ऑन अदर डेट्स विल बी रिलीज सब्सिक्वेंटली, यानी और सब्जेक्ट के जो एग्ज़ाम है उसकी अभी एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हुआ है, वो ड्यू कोर्स में रिलीज हो जाएगा। नाउ ये आपको जो भरना है, आए ये आपका नाम आ जाएगा, रेजिडेंट ऑफ योर सिटी डू हेयर बाय डिक्लेयर द फॉलोइंग, ये आपका एक काइंड ऑफ ये डिटेल्स आपको फिल करनी है। ये आई हैव रेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड नोटिस रिलेटेड टू एग्जामिनेशन, ठीक है। और ये आपको भरना है कब, कैंडिडेट्स फोटो सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म टू बी अफेक्ट बिफोर रीचिंग द सेंटर, यानी कि आपका जो फोटोग्राफ है वो इस कॉलम में आपको पेस्ट करना है, टेस्ट सेंटर पे नहीं करना है या इन विजिटर के सामने नहीं करना है, ये आप घर पे पेस्ट करके चलिए और ये फोटो सेम होनी चाहिए जो आपने अपलोड की है। सेकेंड, कैंडिडेट्स लेफ्ट एंड थम इम्प्रेशन, लेफ्ट एंड थम इम्प्रेशन जब आप टेस्ट सेंटर पर पहुँचें तब आपका ये रेडी होना चाहिए। तीसरा, ये जो कैंडिडेट सिग्नेचर है ये आपका इन प्रेजेंस ऑफ इन विजिटर ओनली, ध्यान दीजिए इट मैंशनड दैट इट इज इन प्रेजेंस ऑफ इन विजिटर ओनली, ये आपको घर से नहीं करके जाना है, ये इन विजिटर के सामने जो सिग्नेचर करने हैं वो होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट, उसमें बहुत सारी और डिटेल्स आपको ध्यान रखनी है एडमिट कार्ड में जो आपके सेकेंड पेज पे गिवन होंगी एडमिट कार्ड के। द कैंडिडेट मस्ट रीच द सेंटर एट द टाइम एज इंडिकेटेड अगेंस्ट रिपोर्टिंग एंट्री टाइम ऑफ द सेंटर इन द एडमिट कार्ड, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे लेट बिल्कुल मत होना। अगर 8 AM का टाइम गिवन है एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग तो 8 AM पे गेट क्लोज हो जाएंगे, चलता है वाला एटीट्यूड बिल्कुल नहीं चलेगा, एक एक सेकेंड आपके लिए कीमती हो जाएगी अगर आप लेट होते हैं तो। सो किसी भी हालत में हमको लेट नहीं होना है। नेक्स्ट पॉइंट, नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर आफ्टर द गेट क्लोजिंग टाइम, आप कितना भी उनके सामने रिक्वेस्ट कर लेना, यू विल नॉट बी अलाउड, ये केस हम पहले देख चुके हैं, लास्ट ईयर भी देख चुके हैं CUET में। तो माय ऑनेस्ट रिक्वेस्ट इज प्लीज बी ऑन टाइम, डोंट बी लेट। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम और हॉल बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, अगर आपका पेपर पहले हो जाता है स्लॉट वाइज तो भी आप एग्जाम हॉल को पहले नहीं क्लियर कर पाएंगे जब तक इन्विजिटर आपको अलाउ नहीं करता है। तो हो सकता है आपका पेपर पहले हो जाए पर आपको वेट करना होगा। अपॉन कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन प्लीज वेट फॉर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इन्विजिटर एंड डू नॉट गेट अप फ्रॉम योर सीट अंटिल एडवाइज, जब तक आपको परमिशन ना दी जाए अपने सीट से उठकर नहीं जाएंगे आप। द कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू मूव आउट वन एट ए टाइम ओनली, ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड रीड केयरफुली द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द एडमिट कार्ड एंड स्ट्रिक्टली अडेयर टू दैम, आपको जो भी इंस्ट्रक्शन है उनको क्लियरली फॉलो करना है, उसमें कोई इफ एंड बट वाला नहीं होना चाहिए सिस्टम। दिस एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ 2 पेजेस, पेज 1 कंसिस्ट ऑफ सेंटर डिटेल्स, पेज 2 हैज इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स, द कैंडिडेट हैज टू डाउनलोड द बोथ पेजेस, आपको दोनों पेज डाउनलोड करने हैं, दोनों पेज लेके जाने हैं और वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करनी है। द एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स एज गिवन इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू वेरीफाई द लोकेशन ऑफ द टेस्ट वेन्यू अ डे इन एडवांस सो दैट दे डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम ऑन द डे ऑफ द टेस्ट, अगर आपका टेस्ट सेंटर आपकी सिटी में ही है और आप उससे काफ़ी फैमिलियर हैं तो आपको एक दिन पहले जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप टेस्ट सेंटर से फैमिलियर नहीं है, यानी कि आपका टेस्ट सेंटर किसी और सिटी में है या अपनी सिटी में दूर प्लेस पर है जो आपने कभी विजिट नहीं किया है,
तो आपको एक दिन पहले ज़रूर टेस्ट सेंटर पर पहुँच जाना चाहिए। वहाँ पर पहुँचना आसान है कि नहीं है, कितना टाइम लगेगा, ये सब चीज़ें एक बार पहले देख लेनी चाहिए। तो अगर आप एक दिन पहले विज़िट कर सकते हैं तो आपको ज़रूर एक दिन पहले टेस्ट सेंटर विज़िट करना चाहिए। If religion customs require to wear specific attire, please visit the center early for thorough checking and mandatory frisking. आपकी चेकिंग जो होती है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है। आपके पास कोई रिस्ट वॉच नहीं होनी चाहिए। कुछ कुछ आइटम्स हैं वो अलाउड हैं, इसके अलावा कोई भी आइटम्स अलाउड नहीं हैं। आप स्पेशली लेडीज़ अगर कोई ऑर्नामेंट पहनते हैं, आप इयर रिंग पहनते हैं, ब्रेसलेट्स पहनते हैं, कोई भी पहनते हैं, दे आर नॉट अलाउड एट ऑल। आपको ये सब नहीं पहन के जाना है किसी भी सूरत में, ये सब नहीं अलाउड है एग्जाम सेंटर पे। नो कैंडिडेट विद बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड एंड अंडरटेकिंग वैलिड प्रूफ एंड अ प्रॉपर फ्रिस्किंग। फ्रिस्किंग मतलब चेकिंग आपकी। फ्रिस्किंग थ्रू हैंड हैंडेड मेटल डिटेक्टर विल बी कैरिड आउट विदाउट एनी फिजिकल टच। ये जो मेटल डिटेक्टर होता है अपना, उससे ही आपकी चेकिंग होगी, आपको फिजिकल टच नहीं होगा। कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स विद दैम इन टू द एग्जामिनेशन वेन्यू। यानी कि ये आइटम्स हैं ये आपको अलाउड हैं, इसके अलावा और कोई आइटम्स अलाउड नहीं हैं। एक बार ध्यान से देख लीजिए। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, अगर आप अपना वाटर बॉटल कैरी करना चाहते हैं तो आप अपना वाटर बॉटल कैरी कर सकते हैं, अदरवाइज एग्जाम सेंटर पे पानी की व्यवस्था होती है। अ सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, और किसी भी फॉर्म का पेन अलाउड नहीं होगा, पेंसिल अलाउड नहीं होगी, केवल एक बॉल पॉइंट पेन ही आपको अलाउड होगा। एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद दी सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग डाउनलोडेड फ्रॉम दी NTA वेबसाइट ड्यूली फिल्ड इन अ क्लियर प्रिंट आउट ऑन A4 साइज पेपर ड्यूली फिल्ड इन। यानी कि आपको एक NTA में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के अगले पार्ट में, उसको डाउनलोड कैसे करना है और कैसे फिल करना है। बेसिकली ये अंडरटेकिंग फॉर्म जो होगा ये COVID-19 के आपको जो डिटेल्स हैं वो फॉलो करनी होंगी, उसके रिगार्डिंग ही है। एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और पेस्टिंग ऑन अटेंडेंस शीट। वहाँ पे एक अटेंडेंस शीट होगी, वहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो पेस्ट करना होगा, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फोटोग्राफ लेके जाने होंगे। ओरिजिनल ID प्रूफ, जो भी ओरिजिनल ID प्रूफ अलाउड है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है अगर, या आपके पास पासपोर्ट है, जो भी अलाउड है वो हम देखेंगे अभी कौन कौन से अलाउड हैं, वो आप लेके जा सकते हैं। बिफोर रीचिंग द सेंटर कैंडिडेट्स मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स पेज द फोटोग्राफ, जो हमने पिछले वाले पार्ट में किया है, page 1 पे पहले तो पेज द फोटोग्राफ एंड पुट इट थंब इम्प्रेशन एट द अप्रोप्रिएट प्लेस ऑन द एडमिट कार्ड। दे शुड एंश्योर दैट द लेफ्ट हैंड थम इम्प्रेशन इज क्लियर एंड नॉट स्मज्ड। यानी वो जो आपकी फोटोग्राफ है और थम इम्प्रेशन है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। कैंडिडेट्स मस्ट कैरी एनी ऑफ द ओरिजिनल ID प्रूफ आइडेंटिफिकेशन प्रूफ इशूड बाय द गवर्नमेंट। अब कौन कौन से अलाउड है आपको, पैन कार्ड आपका अलाउड है एज ID प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस अलाउड है, वोटर ID अलाउड है, पासपोर्ट अलाउड है, आधार कार्ड विदाउट फोटोग्राफ, ई आधार, राशन कार्ड, आधार एनरोलमेंट नंबर विद फोटो, ये सब ID प्रूफ आपको अलाउड हैं। आप इनमें से कोई सा भी ID कार्ड यूज़ कर सकते हैं। मेरा सजेशन ये रहता है एटलीस्ट 2 ID कार्ड आप लेके जाइए, अगर एक में कुछ इश्यू होता है तो आप दूसरे वाले को यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ एक ID कार्ड नहीं, कम से कम 2 ID कार्ड आप टेस्ट सेंटर पर ज़रूर लेके जाइए। ये जो आपके लिए है, ये PW कैंडिडेट्स के लिए है कि आपको एग्ज़ाम में 20 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा और कौन कौन सी आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलेगी वो आप देख सकते हैं। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। मैंने बताया रिस्ट वॉच अगर आपके पास कोई है, चाहे वो एनालॉग हो चाहे डिजिटल हो, इट इज़ नॉट अलाउड। मोबाइल फोन्स ऑब्वियसली एग्जाम गेट के अंदर आपको मोबाइल फोन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, किसी भी सूरत में आप मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते हैं। एग्जामिनेशन ऑफिशियल्स विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कीपिंग ऑफ द पर्सनल बिलोंगिंग्स एंड देयर विल बी नो फैसिलिटी। जनरली ऐसा मेंशन है, लेकिन फैसिलिटी अवेलेबल होती है जहाँ अपने बैगेज आप रख सकते हैं। आप एक बैग कैरी करिए, उसमें अंदर अपने सारे जो भी आपके पास बिलोंगिंग्स हैं उसमें रख सकते हैं। जनरली ये फैसिलिटी टेस्ट सेंटर पे अवेलेबल होती है, अदरवाइज आपके साथ अगर कोई लोकल गार्जियन जा रहे हैं या फ्रेंड्स जा रहे हैं आप उनको भी सबमिट कर सकते हैं। ये ब्लैंक पेपर शीट्स फॉर रफ वर्क विल बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन हॉल। ब्लैंक शीट्स आपको घर से नहीं लेके जानी है, जो रफ शीट होंगी, जो कैलकुलेशंस करनी होगी, आपको कुछ भी लिखना होगा, वो टेस्ट सेंटर पे प्रोवाइड होगा। कैंडिडेट्स मस्ट राइट देयर नेम एंड रोल नंबर एट द टॉप ऑफ ईच ऑफ द शीट। आपको अपना नाम और रोल नंबर जो है CUET का वो ब्लैंक शीट के ऊपर लिखना होगा।
और जब आप एग्ज़ाम हॉल छोड़ेंगे, जब आप घर जाएंगे, तो आपको ये जो ब्लैंक शीट्स हैं ये इन्विजिलेटर को हैंडओवर करनी होगी, यू कैन नॉट टेक इट बैक। अ ड्यूली फिल्ड एडमिट कार्ड मस्ट बी हैंडेड ओवर टू द इन्विजिलेटर वाइल लिविंग द एग्जामिनेशन हॉल। जो आप एडमिट कार्ड जिसमें आप फोटो लगा रहे हैं, थंब इम्प्रेशन लगा रहे हैं और साइन कर रहे हैं, ये आपको सबमिट करके जाना है। अगर ये सबमिट नहीं होगा तो आपका रिजल्ट और इवेल्यूशन में प्रॉब्लम हो सकती है। आई रिपीट दिस अगेन, जो मेंशन है इन्फॉर्मेशन में, इट इज़ क्लियरली मेंशन दैट अ ड्यूली फिल्ड एडमिट कार्ड मस्ट बी हैंडेड ओवर टू द इन्विजिलेटर वाइल लिविंग द एग्जामिनेशन हॉल। ये आपने जो एडमिट कार्ड है इसे आपको सबमिट करके जाना है, साथ में लेके नहीं जाना है। नो कैंडिडेट शुड अडॉप्ट एनी अनफेयर मीन्स ऑफ इंटेलिजेंस एनी अनफेयर एग्जामिनेशन प्रैक्टिसेस। आपको चीटिंग नहीं करनी है, सिंपल सा इसका मतलब यही है। नो कैंडिडेट शुड अडॉप्ट एनी अनफेयर मीन्स सीसीटीवी की, वहाँ पे बहुत सारे सीसीटीवी भी रहता है, अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर डेफिनेटली कार्यवाही होगी एंड यू विल नॉट बी अलाउड टू टेक द फर्दर टेस्ट। द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज एज पर हिज ऑप्टेड सब्जेक्ट मीडियम इंडिकेटेड इन द एडमिट कार्ड। इन केस द सब्जेक्ट मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज अदर देन हिज ऑप्टेड सब्जेक्ट मीडियम द सेम मस्ट बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द इन्विजिलेटर कंसर्न। यानी कि आपने जिस सब्जेक्ट का जिस मीडियम में एग्जाम देना है वही आपका टेस्ट पेपर ओपन होना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ और कॉम्बिनेशन ओपन होता है, यानी कि जिस सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम है वो ओपन नहीं होता है, या जिस मीडियम में है अगर वो ओपन नहीं होता है, तो तुरंत ये बात आपने इन्विजिलेटर को बतानी है ताकि उस पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। अगर बाय चांस इस पर आपका मतलब तुरंत अगर दूसरा पेपर ओपन नहीं होता है जो आपने ऑप्ट किया है, तो आपकी डिटेल्स ले ली जाती हैं और फ्यूचर में आपका री एग्ज़ाम कराया जाता है और उस टाइम आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाता है। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली रीड द सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन जो भी हैं वो केयरफुली रीड करनी है। अदर इंस्ट्रक्शन मैंशन इन द क्वेश्चन पेपर एंड अबाइड बाय द सेम। जो भी आपके पास क्वेश्चन पेपर की डिटेल्स हैं आपको फॉलो करनी है। आपके एग्ज़ाम में टाइमर लगा होता है, उसका इंटरफेस कैसा होता है एग्ज़ाम का, बहुत ही जल्दी हम डिस्कस करेंगे ताकि जो आपके 21st एग्ज़ाम है कोई इशू ना आए आपको। मुझे लगता है या मुझे पता है कि आपने कभी कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिया होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं दिया होगा, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम का जो इंटरफेस कैसा होता है, कैसे आप क्वेश्चन मार्क करते हैं, अगर आपने मार्क कर दिया है तो उसको अनमार्क कैसे करते हैं, उसको मार्क और रिव्यू कैसे करना है, उसे सेव कैसे करना है, बहुत ही जल्दी हम वीडियो में लेके आएंगे। तो आप कीप यू नो फॉलोइंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। If at any stage it is found that the candidate has submitted multiple applications, his or her candidature will be cancelled. अगर आपने एक से ज़्यादा फॉर्म भरे हैं तो डेफिनेटली आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल होने वाला है, इसमें और कोई मतलब लीगल एक्शन विल बी टेकन। तो फ्यूचर में ध्यान रखिए, ऐसा कोई आप काम ना करें जो आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लिया जाए। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक अपडेट्स ऑन NTA वेबसाइट। You have to follow NTA website and CUET website regularly for detail updates. ठीक है ना, कभी भी कोई भी कैसी भी अपडेट आ सकती है, हो सकता है वो डिटेल अपडेट आप तक पहुँचा में थोड़ा सा लेट हो जाए, लेकिन आपको एकदम फॉलो करते रहना है इन दोनों वेबसाइट्स को। जो भी डिटेल्स होगी ऑफिशियल डिटेल होगी इन्हीं पे आएगी, इसके अलावा कहीं और सोर्सेस से डिटेल आ रही है तो उसे ऑफिशियल मत मानिए, वो उनका एक अजम्पशन हो सकता है लेकिन वो ऑफिशियल नहीं है, ज़रूरी नहीं है वो सही हो। इट मे बी ट्रू, इट मे नॉट बी ट्रू। ठीक है, तो ये दोनों वेबसाइट आपको फॉलो करती रहनी है। इसके अलावा आपका कोई भी और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, बहुत ही जल्दी हम उसका भी वो भी जो आपकी प्रॉब्लम है जो क्वेरी है वो सॉर्ट आउट करेंगे। हाँ, एक चीज़ इसमें मेंशनड है वो COVID-19 का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, बहुत ही जल्दी वो फॉर्म किस फॉर्मेट का होगा, उसे कैसे भरना है, अगले वीडियो में आप बहुत बहुत जल्दी लेके आएंगे ताकि आप एडमिट कार्ड रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं उससे आप एकदम बेफिक्र हो जाएं कि वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे कोई दिक्कत ना हो। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं है, एग्ज़ाम एकदम करीब आ गया है एंड आई नो यू आर वेल प्रिपेयर्ड। विश यू बेस्ट ऑफ लक।